बेल तो आराम से हाथ के हाथ मिलेगी इसके अंदर, लेकिन इसमें हमारे एडवोकेट्स क्या कर रहे थे सर, उन्हें नहीं पता था एक केस हो रहे हैं इनके ऊपर। हेलो। हाँ सर, हाँ कहा नहीं है सर, एडवोकेट ने को पता था, लेकिन ना 27 तारीख का डेट दिया गया था, ये ना डेट सरका दिया गया एकदम से ना 23 तारीख। नहीं, समझे सर। देखिए सर, जब कोई भी आदमी अरेस्ट होता है, मेरे साथ सेम यही गेम खेला था पीएफए ने, जब भी कोई अरेस्ट होता है तो पीएफए वाले क्या है, एक दो साइड में एक केस करके रखते हैं, जिस दिन बेल की डेट होती है उसी दिन उसको प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं कि प्रोटेक्शन वारंट इशू करके इसे लेने जाओ। जबकि अलविश भाई पिछले 5 दिन से जेल में थे, तो पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पे ले जा सकती थी और उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देती। मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक लेटर बनाता इसी जेल के लिए, बक्सर जेल के लिए, कि इज इन एमसीआर और उन्हें इस डेट पे प्रेजेंट होना है, कोई भी एक डेट दे देते, तो इनका वकील जाके वहां पे एमसीआर कटवा के एक बेल ले लेता, सिंपल सी बात थी। लेकिन अब इन्होंने ये जब बोला है 27 कैसे बोल दी, आज जब बेल मिली तो मेरे ख्याल से कल प्रोड्यूस करना चाहिए, उन्हें भले ही छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन हॉलीडे कोर्ट होती है सर। हेलो हेलो। हाँ सर, बोलिए। आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ हॉलीडे कोर्ट होती है, इन्हें कल प्रेजेंट करना चाहिए, 27 तारीख कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कोर्ट इतना लंबा है, कोर्ट इनजस्टिस नहीं करती ना सर, कि जब बेल हो गई तो मैं आपको 4 दिन और जेल में रखूँ सर प्रोटेक्शन के लिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, अभी आ रहा आवाज। हाँ, कोर्ट ऐसे अनजस्ट नहीं करेगी ना, मेरे हिसाब से तो इन्हें कल प्रेजेंट करना चाहिए, हॉलीडे है तो हॉलीडे कोर्ट भी होती है ना सर। सर अभी ना एक हमें भी मिली है एक लीगल टीम से ना, कि हाँ हो जाएगा सीन ना, अभी कल का बता रहे हैं कि हो जाएगा सीन ना। नहीं, कल आराम से, जहाँ तक है कल, या कल हो जाएगी सर, मेरे ख्याल से कल हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट ऐसा नहीं होता कि 4-5 दिन बाद लिया जाएगा, मतलब जब आज प्रेजेंट किया है, बल्कि जब आज प्रेजेंट किया था तो हमारी टीम लीगल टीम को ये करना चाहिए था, उसी समय गुड़गांव के किसी एडवोकेट से बात करके ये बाय कराया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, आज के बेल ऑर्डर का किसी को पता है सर कुछ, कि क्या मजिस्ट्रेट ने क्या कमेंट किया उसके अंदर, जो बेस दिए बेल की वो क्या दिए? वही है सर, आप बोल रहे थे ना कि ऐसे किसी पे कैसे खाली अपने किसी के ओपिनियन पे या किसी कन्फेशन पे आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, वो चीज तो आपने बोला ना लीगल नहीं है इतना, कि इस पे इतनी धारा क्यों लगा रखी है, वही बात सुनने में आई मेरे को भी ना, कि इतनी धारा इस पे लगा क्यों रखी है जब इसके पास से कुछ मिला नहीं है कोई भी चीज, लगा क्यों रखी है जब इसके पास से कुछ मिला नहीं है कोई भी चीज, सही है, और ना ही ये बंदा उधर पार्टी में था ना कुछ, और तो इतना कर क्यों रखा, इतना बना क्यों रखा इस चीज को, आपको कितना मतलब पुलिस को ही सुनने को मिली है कोर्ट से ना। हेलो सर, आवाज फिर गया आपका, क्या सीन है, क्या आप बोल नहीं रहे? सर आवाज नहीं आ पा रहा ना आपका, शायद सर ना आप एक बार दोबारा ज्वाइन करिए, क्योंकि कल भी क्या हुआ था, एक बार जब आपने कोस्ट दोबारा ज्वाइन किया था ना, तब काफी बढ़िया से आवाज आया था। ठीक है सर, सही अभी वैसा आ रहा है आवाज, बाकी फिर भी एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको ना स्पीकर पे डाल रहा हूँ उसके बाद। अच्छा, वो खुद ही निकल गए, वाह। भाई आप लोगों ने ना बहुतों ने रिक्वेस्ट कर रखी है, देखो पहली चीज भाई, नई आईडी को तो माइक दे नहीं सकता, सही है, कोई बंदा बोलना चाहता है उसको जरूर दूंगा माइक, सही है, टीम से होगा या कोई पुरानी आईडी होगा। सेम ऐसे ही इन्होंने मेरे साथ किया था सर, मैं 13 दिन जेल रहा था, 5 दिन पीसी में और 8 दिन थाना सेंट्रल जेल बॉम्बे के अंदर, तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो इसके अंदर ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से बेल मिल जाएगी, और मुझे लगता है कल ही सर ये हॉलीडे कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा इन्हें। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर आवाज, अच्छे से। कल हॉलीडे कोर्ट में इन्हें प्रेजेंट करेंगे तो कल हाथ के हाथ बेल मिलेगी, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि एक बेल जो मेन था उसमें तो मिली गई।
आज भी हो सकती थी अगर जिस समय जब उन्होंने प्रोटेक्शन वायर के लिए डाला होगा कोर्ट के अंदर, उस समय हमारे एडवोकेट्स को पता चल गया होगा, तो उस समय भी अगर गुड़गांव के किसी एडवोकेट को फोन करके हम प्रेजेंट करा लेते वहां पे, तब भी हो जाता, जरूरी नहीं होती प्रोटेक्शन ऐसे ले जाना। तो ये है, अगर कल लेके नहीं जाते तब भी हमारे वकील होलीडे कोर्ट में, अगर कल एल्विश भाई को अगर यहाँ से लेके नहीं जाते ना प्रोडक्शन के लिए, कितने 27 तारीख है, तो भी हमारे एडवोकेट जो है होलीडे कोर्ट के अंदर प्रेजेंट अपीयर होके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 27 तारीख को हम एल्विश भाई को खुद लेके प्रेजेंट हो जाएंगे, तो वो कोर्ट मान जाएगी आराम से और वो इन्हें हाथ के हाथ रिलीव करने का ऑर्डर कर देगी। होलीडे कोर्ट भी होती है, ऐसा नहीं होली वाले दिन भी जो है कोर्ट लगती है सर, होलीडे कोर्ट होती है एक, तो उसमें है, लेकिन 99% मुझे ये लग रहा है कल लेके जाएंगे सर इन्हें, क्योंकि 4 या 5 दिन का इतना लंबा नहीं। ऐसा सर आया भी ऐसा ना सामने वाले वो अपने लीगल टीम से ना आया ये चीज ना कि जो भी है सब अच्छा हो रहा है, लीगल टीम पूरी मेहनत कर रही है, जहां तक है कल तक आपके साथ रहेंगे, आपकी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सर ये छोटी छोटी चीजें होती है, बंदा तो एक रात जेल चला गया सर, जो जेल में रहता है ना उसको पता होता है जेल क्या है सर, मैं रह के आया हूँ ना इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं अंदर काफी रह गया सर, 13 दिन रहा हूँ सर मैं, और शुरू के 3-4 दिन तो मुझे ये लगता था कि मैं लटक के कहाँ लटक के मरूं, साला वहां मरने की जगह भी नहीं है सर, ऐसे जेल बनाई होती है कोई आदमी लटक के भी नहीं मर सकता, इस तरीके से होता है कि सुसाइड भी नहीं कर सकता आदमी, इतना जबरदस्त उनका अरेंजमेंट होता है सर, मतलब पहले 4 दिन मेरी ये हालत थी सर अंदर, क्योंकि एक तो पहली बार और झूठे केस में गए, लेकिन जब सर सेंट्रल जेल मुझे भेजा गया तो मेरे को आराम मिला वहाँ पे, मतलब जो कैदी वगैरह था उन्होंने पूछा मैं क्यों आया, सारी बात बताई, तो उन्होंने काफी मतलब अप्रिशिएट भी किया, मेरी हिम्मत भी बढ़ाई, और ये भी बोला कि आपकी तो एक बेल हो गई है, दूसरी भी हो ही जाएगी, बस सेम यही केस था, मेरी एक बेल हो गई थी, मेरा प्रोडक्शन ले लिया था इन्होंने, तो उस चक्कर में मुझे 8 दिन हो गए, मतलब आपका भी वही था कि एक केस में जैसे ही निकले बाहर दूसरे केस में कंप्लेनेंट थी दुर्गा राय और विटनेस थी लता परमार, मतलब दोनों कंप्लेनेंट विटनेस वाइस वर्सा थे दोनों केस के अंदर, और दोनों में पीएफए इन्वॉल्व था और सेक्शन सेम थे सर, बस अटकाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। वैसे अभी अभी एल्विस भाई का आया ना ये पीएफए का तो नहीं है दूसरा केस, लेकिन हाँ कुछ ऐसा सीन जरूर हुआ है कि ना एकदम से ये केस ऊपर आ गया, पहले तो कोई वो ही नहीं था इस केस का जिक्र भी नहीं था कि ऐसा कुछ केस भी चल रहा है, ये भी हो सकता है ना एल्विस भाई को प्रोवोक किया हो जानबूझ के, सामने जिससे भी पंगा हुआ उससे लोग मिल गए हों, क्योंकि इनके पास पैसे की ताकत की तो कोई कमी है नहीं सौरभ गौरव के पास, और चलो बाई चांस ये उससे नहीं भी मिले, बाई चांस ये एल्विश भाई और उनका पर्सनल मैटर था, जो हो गया लेकिन इस समय क्या है इन्होंने पुलिस मैनेज कर ली बेसिकली, जिस दिन एल्विश भाई अरेस्ट हुए थे उसके 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि वहां पे कोर्ट की हड़ताल थी, तो गुड़गांव पुलिस के पास पूरा टाइम था इनकी प्रोडक्शन वारंट लेके जाने का, तो एक बेल तो उसी दिन हो जाती उनकी जो 5 दिन है, तो आज इस समय तक एल्विश भाई घर होते हमारे, तो 5 दिन उसने इंतजार क्यों किया गुड़गांव पुलिस ने कि जब बेल की सुनाई होगी हम तभी जाएंगे, प्रोडक्शन तो ये किसी भी दिन ले सकते हैं ना, क्योंकि पुलिस को वकील की जरूरत नहीं होती। बात वो भी सही है आपकी कि होली का टाइम भी दे दिया पहले, तो अभी होली का कोई टाइम नहीं है, ये देखिए ना इसके अंदर तो आराम से बेल होनी थी, मतलब उससे पहले भी ले जा सकते थे, 5 दिन जब जेल में थे तो 5 दिन के अंदर अंदर गुड़गांव पुलिस ले सकती थी ना इनकी प्रोडक्शन, के वहां प्रोटेक्शन वारंट से दे रहे हैं हमें प्रोड्यूस करना है, हमारे यहाँ भी एक केस है, तो उसी दिन उनकी वहां पे बेल हो जाती है हाथ की हाथ, क्योंकि वहां के केस तो मेरे ख्याल से नॉन बेलेबल इशू सारे केस हैं। और सर एल्विश भाई पे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्ट लगाए, मेरे जिस केस में अरेस्ट हुआ था वो टेबल बेलेबल थे, टेबल बेलेबल वाले केस में मैं 13 दिन अंदर रहा हूँ सर, और एक एल्विश भाई जैसी FIR इन्होंने मुझ पर भी वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे गाजियाबाद में करी, कछुआ स्मगलिंग की, सेम लैंग्वेज है सर, बस वर्ड और ये वर्ड जगह का नाम और ये क्राइम के मतलब हिस्ट्री बदली हुई है, मतलब मेरे में कछुए हैं इनके में सांप हैं, तो मैंने तो उसका पूरा अपना जैसे ही मुझे पता चला एक पूरा लंबा सा एक जवाब दे दिया सर, तकरीबन 150-200 पेज का, 165 पेज का पुलिस को, कि भाई ये सारा कर लो, इसके बाद अगर आता है तो उठा लो मुझे जब मर्जी या मुझे बुला लेना, ये हाल है सर। और मजेदार बात आपको बताऊं, कल शायद मैंने बताई थी, गौरव गुप्ता ने मुझ पे 509 डाली हुई जो सिर्फ एक फीमेल का केस कर सकती है, तो इनका यही है सर, तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आपने बताया था कि क्या ही सीन है कि लाइक वो केस क्यों ही कर, एक जब जो चीज फीमेल कर सकती है वो मेल कैसे कर रहा है वो केस, तो ये सारी चीजें हैं सर इनमें, हां वो चीज, तो ये मेनका गांधी का माइट इज राइट चलता है, उसे अपना रोप दिखाना है, और अब एल्विश भाई अरेस्ट हुए तो इनका एक्सटॉर्शन का धंधा बहुत ऊंचा जाएगा ना सर, अब तो जिसको फोन करेंगे साले इतने पैसे दे रहा है नहीं दे रहा उसी समय, अरे मैडम दे रहा हूँ, जब एल्विश भाई जैसा अंदर चला गया इन्होंने भेज दिया, तो बाकी तो बहुत छोटी छोटी चीजें,
तो ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे इसलिए दबाया गया कि मैं इनको कंटिन्यूसली जो है एक्सपोज करे जा रहा था। मेरी दो फेसबुक इन्होंने मतलब स्ट्राइक कराई, एक यूट्यूब चैनल स्ट्राइक कराया, मेरा पुराना ट्विटर इन्होंने स्ट्राइक कराया। क्योंकि अगर वो चल रहे होते तो जैसे एलविश भाई का केस हुआ था, आप सिर्फ लता परमार, दुर्गा राय, गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता या पीएफ से भी डालते ना तो इनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री आती सर, मतलब स्टार्टिंग से। इतना मेरा मतलब गूगल ने इतनी अच्छी रैंकिंग दे रखी थी तो सारी सर पीएफए का तो अभी भी अगर कोई गूगल करके देखते हैं ना तो सीधा आता है कि पीएफए ने क्या क्या किस पे क्या किए हैं और सारे ना केस फर्जी होते हैं, ये चीज आता है गूगल पे आज भी डालते हैं ना। उस समय बहुत ज्यादा आ रहा था, मेरे तकरीबन सर 70 के करीब पोस्ट थे और 70 के 70 लाइन में ऊपर से नीचे तक आते थे, इतनी अच्छी रैंकिंग थी। रिव्यू जो आ रहे हैं उसमें से शायद 80% मेरे ही वाले केस आ रहे हैं सर। इन्होंने बॉम्बे में और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता। हां बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप क्या नहीं समझ पाए आप? मैं कह रहा हूँ मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, इतने बंदों के ऊपर इन्होंने केस किए हैं, सही है? क्या किसी ने बाद में केस सोल्व होने के बाद या केस चल भी रहा है तो उसने बाद में कोई भी उसके ऊपर जांच वांच कुछ भी नहीं अड़ाई उन चीजों के? देखो सर, जब केस आदमी ये सोचता है, देखो सर जो भी कोर्ट के केसेस होते हैं उनमें पैसा बहुत लगता है। आदमी सोचता चल यार मैं एक्यूट हो गया, मैं डिस्चार्ज हो गया, बाहर में जाए, अब मैं अपना शांति से जीऊं। इन लोगों का प्रोफेशन है ना सर एक्सटॉर्शन करने का, लोगों को गलत केस में फंसाने का। एल्विश भाई का, मेरा या किसी और का जो फंस रहे हैं उनका तो अपने अपने बिजनेस फैमिलीज हैं, तो वो मानहानि का मुकदमा डालेंगे, चलता रहेगा, कहेंगे उसमें भी वकील की फीस देनी है, बैठो चुपचाप, ये होता है। लेकिन हाँ कुछ लोगों ने इनसे फाइट करी है अच्छी और काफी इनके एडवर्स ऑर्डर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही शांत बैठते हैं। तो मेरी फाइट तो सर अभी चलती ही रहेगी जब तक जिंदा हूँ, मुझे लग रहा है, या जब तक जीतूंगा नहीं या जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका काफी लंबा चौड़ा गेम है ना। एक और चीज देखी मैंने ना अभी इस केस में ना, पहली बार ही देखने को मिला। मैंने देखा है ना धारा है ना घटती है ज्यादातर उसमें ना, इसमें बड़ी है नहीं, ना, बाद में पुलिस ने ना। और पीएफए जब भी कहीं पे केस सर, करेगा सर, ना मैं... जब पीएफए केस करता है तो उसमें धाराएं बढ़ती हैं, पीएफए पे कोई केस करेगा तो घटती हैं, पीएफए पे अगर मैंने केस किया तो उसमें घट जाएंगी, ये होता है। वो हमारे लॉ को खेलना बहुत अच्छे से जानता है। गोरी मुलकी जो है इनकी पीपल फॉर एनिमल की ट्रस्टी, वो बहुत अच्छे से लॉ को मैनेज करती है सर। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट बांटे हैं सर, गोरी मुलकी लॉ देखती है, अंबिका शुक्ला, मेनका गांधी इनको लीगली सपोर्ट करने और एक्सटॉर्शन का काम देखते हैं, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता टेरर का फैलाने का काम करते हैं पब्लिक के बीच में, लीगल टेरर, लता परमार, दुर्गा राय, पूनम खन्ना, ये लोग झूठे केस लोगों पे डाल के एक्सटॉर्शन करते हैं या अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, शेड देते हैं। अब जैसे सर पूनम खन्ना है, उसको भी हम लोगों ने जेल पहुंचा रखा है, वो भी बॉम्बे की जेल में ही पर सड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल जो है रिफ्यूज कर दी थी, सौरभ गौरव गुप्ता के गैंग की है, करोड़ों रुपए के बिल्डर से फ्रॉड के अंदर है, मतलब एक्सटॉर्शन के अंदर जेल गई है सर, करोड़ों रुपए के, मतलब लिमिट नहीं है कितना पैसा, और कई जगह केस है उसके ऊपर सर, वो अभी बॉम्बे की जेल में ही है, पूनम खन्ना नाम है उसका। आ रही है सर आवाज? आ रही है सर, आ रही है आवाज। ऐसा नहीं है सर, लड़ते हैं तो जीतते भी हैं, लेकिन ये है कि मेनका गांधी का नाम सुनकर इनकी बेशर्मी देख के कोई भी इनसे आसानी से लड़ता नहीं है, बहुत से लोग सरेंडर कर देते, चल यार जो मांग रहे हैं दे दो, ये है। हाँ जहां तक यही हो रहा है, बाकी अभी थोड़ा ज्यादा बड़े उसमें हाथ डाले इन्होंने ना इस बार, तो कुछ होना चाहिए कुछ। देखो सर कुछ होना चाहिए, नहीं होना तो बहुत कुछ चाहिए। देखिए सर हमारा लॉ जो सर, देखिए आज भी सर अगर चाहे एल्विश भाई हो, मैं ही हो, कोई भी हो, जिसको जस्टिस मिलती है ना वो कोर्ट से ही मिलती है। पुलिस जो है, पुलिस का तो ये है चलो यार चार्जशीट डाल दो, कोर्ट देखेगी, पुलिस दोनों तरफ से प्रेशर। देखो आपके वाले केस में एल्विश भाई की तरफ से भी प्रेशर था पब्लिक का जबरदस्त, उधर से पॉलिटिकल प्रेशर था। अब पॉलिटिकल प्रेशर किसका था? रूलिंग पार्टी की एमपी का, भले ही उसे अभी टिकट मिले ना मिले आगे की बात है, लेकिन रूलिंग पार्टी की एमपी है और उसने मिनिस्टर भी रह चुके तो उसके ब्यूरोक्रेट से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, तो वो लालच देती है तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारी प्रमोशन करा दूंगी, मैं तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, और अगर नहीं लालच में मानते तो तेरा ट्रांसफर करा दूंगी, तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी, तेरी नौकरी खा जाऊंगी। तो आदमी सोचता है पॉलिटिशियन के फेवर कर दो, इनका क्या करना। लेकिन एल्विश भाई के केस में फिर भी आज बहुत बड़ी सक्सेस है सर, ये जैसा नहीं है कि इतने बड़े केस में इतने आराम से बेल मिलना, क्योंकि सर मैं जैसे जब मैंने एफआईआर पढ़ी थी उसी दिन मैं समझ गया था कि इस केस के अंदर जिस दिन भी कोर्ट के सामने जाएगा बेल 1000% मिलेगी एल्विश भाई को, एफआईआर देख के ही मैं समझ गया था ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट हैं। सर मेरे को भी यही सुनने में आया कि ना सिर्फ ना जो जज है उन्होंने ना फैसला यही सुनाया है कि भाई जब उसके पास कुछ मिला नहीं, सही है,
ना वो उस चीज में इन्वॉल्व है, आप किसी के कन्फेशन पे या किसी थर्ड पार्टी से वो चीज करके किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हो, इतना मतलब लंबा इतने चार्ज कैसे लगा सकते हो किसी के ऊपर ना, ये चीज ही बोला कोर्ट। किसी का कन्फेशन एलिगेशन वाली बात अलग है, जब कोई कन्फेशन, अगर सपोज है सर मैं अरेस्ट होता हूँ, मैं आपका नाम ले दूं कि इस बंदे ने मुझसे काम कराया, तो पुलिस का काम ये नहीं कि मुझे इमीडिएटली अरेस्ट करेगी, उसका काम ये कि पहले वो इंक्वायरी करेगी, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को लगाएगी, मेरे अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करेगी जो मैंने बोला है, तब जाके मुझे अरेस्ट करेगी और मुझसे स्टेटमेंट लेगी, और अगर वो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है सर, अगर झूठी साबित होती है, तो मेरे ऊपर 182, 211 या 388 का केस डालेगी कि ये झूठे आदमी को झूठे केस में फंसाना चाह रहा था, अगर 10 साल तक की सजा उसमें, तो ये भी है ना सर। तो इसके अंदर अगर हम सही से लड़े सर, सबसे पहली बात सर, जैसे आज उनके वकील ने बोला हम ये कोर्ट में जाएंगे हाई कोर्ट क्वेश कराने, तो ये एफआईआर ना सर क्वेश नहीं होगी, इस एफआईआर में सिर्फ एल्विश भाई का नाम डिस्चार्ज होगा, एल्विश भाई डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनका नाम हट जाएगा, क्योंकि बाकी जो लोग पकड़े गए वो तो क्राइम, उनके ऊपर तो क्राइम बिल्कुल फिट बैठ रहा है सर, सपेरे पकड़े गए हैं, उनके पास से जहर भी मिला है, भले ही सौरभ गौरव गुप्ता ने दिया हो या उनसे मतलब जितना रिकवर हुआ उसमें से 20 ml दिखा दिया, बाकी ये खुद लेके चले गए बेचने के लिए, वो एक अलग बात है, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो लेकिन वो 20 ml आया कहाँ से, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब सर यही तो मेरे को हैरानी हो रही है कि 20 ml कोई लेके कैसे घूम लेगा, हाला मतलब ये इनकी सर कॉन्स्पिरेसी मुझे लग रही है शुरू से। भाई आ गया क्या घर पे भाई, भाई अभी ना चल रहा है सीन ना, कल तक ही लग रहा है, या तो रात तक अगर मे भी कल ही होगा जहाँ तक है ना रिलीज, अभी लग रहा है मैजिस्ट्रेट का बोल रहा है, मैजिस्ट्रेट सब बातें हो गई, तो ये 5-6 दिन का जो उनका कर्ज जो हुआ है लॉस 50-60 लाख का तो हो गया भाई का लॉस, तो ये कौन भरेगा फिर भाई, पुलिस वाले भरेंगे भाई। सीधी बात है भाई, सीधी बात है, ये ना सिस्टम या सा क्या कर सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं वो छोटा मोटा हस्ती तो है नहीं कि भाई उसको मतलब जॉब करने जा रहा, तो भाई 10-20 हज़ार रुपए दिन कमा रहा भाई, ये चीज तो भाई कोर्ट में उठनी चाहिए ना भाई, कोर्ट भाई 5-6 दिन में भाई उसके 50-60 लाख जाएगा। फिलहाल सबसे पहले आदमी बाहर आके इस केस से क्विट होना जरूरी होता है, मतलब इस तरीके से जी सर ये चीज जरूरी होती है कि एक्विट होना जरूरी होता है, इस केस से बाहर आना जरूरी होता है। सबसे पहली सबसे बड़ी बात ये बेल मेरिट पे मिली है, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो इज्जत का लॉस हुआ है, वो तो सर चलो आप हम लोग मिलकर इज्जत का लॉस का एक बार रिकवर करा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस भी सर वो रिकवर कर ही लेंगे, जो हो गया हो गया, लेकिन सबसे पहले तो हमें कानूनी फंदे से एल्विश भाई को बाहर निकलना जरूरी है ना सर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कानून को भी सोचना चाहिए ना, जो बंदा मतलब एक स्टोरी के 20-25 लाख रुपए ले रहा है, तो 10-15 हज़ार रुपए का ये गलत काम करेगा ये भाई। भाई भाई बात यह है, देखो बात यह है, अदालत ना प्रूफ पे चलती है, सीधी बात यह है, उनको जो कुछ देगा ना नकली असली पहले देखेगी, उसके बाद फैसला सुनाएगी, सीधी बात यह है। अभी वो इन चीजों को देखने लगे ना, इमोशनल चीजों को, तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। सही है, नहीं अदालत का काम यही नहीं कि आपके बिजनेस में क्या लॉस हुआ है क्या नहीं हुआ, ये अगर हम अदालत में क्वेश्चन उठाएंगे तो अदालत हमारी फाइल ही उठा के फेंक देगी सर, कि क्या अदालत इसी काम के लिए बैठी है क्या। फिर तो हर आदमी बोलेगा, मैं हर क्रिमिनल बोलेगा मैं बाहर अंदर था जी, मैं बाहर जाता डाकू था कोई, मैं 5 दिन के अंदर अंदर साल 1 करोड़ रुपए की डकैती कर लेता तो मेरे को 5 करोड़ रुपए दिलाए, अगर जब उसे बेल मिलेगी। तो ये कुछ सवाल टेक्निकल होते हैं सर, तो ये लॉस वगैरह वाली बात करने का कोई फायदा नहीं है, सबसे पहली बात है बेल मिल गई, अब कल वो प्रोडक्शन वाला जो है मामला सॉर्ट आउट करके वो अपने घर आए, थोड़ा आराम वगैरह करें, फेस्टिवल मनाएं, फिर आगे मतलब उनकी टीम लीगल टीम क्या सोचती है कैसे करना है वो देखेंगे सर। हमारा काम क्या है, एक निर्दोष आदमी जो अंदर गया उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुल के देना, क्योंकि आज के टाइम में क्या था सब लोग एल्विश भाई के साथ तो थे, लेकिन खुल के बोलने वाले 2-3 जने थे, आप मीडिया को, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ सर, मीडिया वाले सारे एल्विश भाई के अगेंस्ट थे, मीडिया सर मैंने 1-2 ही देखे जो खुल के फेवर में आए, तो ऐसे टाइम में खुल के सामने आना बहुत जरूरी होता है सर। लेकिन सर मीडिया वालों को किस बात का डर रहता है, पुलिस वालों का तो सब जाके यहाँ प्रमोशन का डर रहता, सस्पेंड का डर रहता। आप एक बात, अरे अभी मैं टॉपिक सेट के एक बात कर लूं शांत भाई, हाँ, अगर हाँ, ये बात बहुत चल रही भाई, अभी इस बात को खत्म करो ठीक है। निशांत भाई अब एक चीज बताओ, अंबानी है जो ये है क्या बोलते हैं अंबानी, ये हाँ नहीं मुकेश अंबानी का जियो सिनेमा ठीक है, सिनेमा में मुनार फारूकी कमेंट्री कर रहा है, तो उसमें भाई, भाई, भाई उसमें कुछ नहीं कहेगा कोई भाई। एक्चुअली ना मेरे भाई सुनो,
बात यह देखो वो ना अदर टॉपिक की चीज है, देखो वो चीज कुछ भी कर सकते हैं भाई। मैंने कह दिया पैरोडी, मेरे साथ भाई रुको, मैंने पैरोडी कह दिया भाई। एलविश आ रही बैठी यहाँ पे, अब किसी मुद्दों में टांग नहीं अड़ानी, क्योंकि कोई अपने एंड वक्त में साथ देने नहीं आया था, तो अपन को ये सब लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। अपन को सिर्फ भाई पे फोकस करना भाई, चाहे मुनावर हो चाहे चुनावर हो, अपन को किसी से मतलब नहीं है भाई, क्योंकि एंड टाइम पे अपने लिए कोई नहीं हुआ। अपने भाई को हाइप देनी है, मतलब नहीं है भाई, भाई कोई कुछ हो, अपने भाई को हाइप दो भाई, वही है भाई। ऑनलाइन धर्म वाले, ऑनलाइन हिंदू कट्टर ना बनो भाई, जो करना है भाई तुम जाओ मंदिर में पूजा वूजा करो, वहाँ भाई को सपोर्ट करो भाई, ठीक है। ऑनलाइन गैंगस्टर कोई नहीं बनेगा, अपने भाई को हाइप अप दो भाई, बस अपने भाई को देखो भाई, और किसी को नहीं देखना कौन क्या कर रहा भाई। जिसको देखना था वो देखेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा भाई। उसको तो एक बंदे को थी एल्विस भाई से, तो उसने ये मुद्दा उठा लिया, अब भाई उसको थोड़ी ना जियो से नमाज से भाई। अरे सर आप नहीं समझे, दीदी आप मुद्दे को आप समझ ही नहीं रहे, ये बहुत टेक्निकल इसके अंदर जो है, ये पीएफए ने गेम खेला है, ये एंटी नेशनल और एंटी हिंदू दोनों ही है। मैं आपको एविडेंस अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ और इनके खिलाफ, क्योंकि एल्विस यादव को नीचे गिराने का मतलब है सनातन नीचे। हेलो हेलो, समझे समझे सर, आवाज आ रही है आपकी। एल्विस यादव नीचे गिरते हैं तो हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू भाई नीचे आते हैं, मतलब उनकी यूनिटी टूटती है। तो आप सबसे पहले एक टेक्निकल बात देखो, मेनका गांधी की एनजीओ आजकल एक नया मुद्दा उठाती है, वीगन बनो, गाय का दूध भी मत पियो, गाय का दही भी मत खाओ, गाय का मतलब पालो भी मत, इनको खुला छोड़ दो। तो जब हम गाय का दूध नहीं पियेंगे तो कोई पालेगा नहीं, तो गाय कहाँ जाएगी, सड़क पे, सड़क पे जाएगी जो जाएगी कसाई खाने में, उसके बाद क्या हुआ, हमारी गाय हो जाएंगी धीरे धीरे खत्म। क्या अमेरिका के अंदर सोयाबीन बहुत ज्यादा पैदा होता है, सोया, तो सोया लोबी का, सोया का दूध पियो, सोया का घी खाओ। ये बहुत लंबी कॉन्स्पिरेसी है सर, तो ये आप ये मान के चलो, छोटी छोटी चीजें देखते हैं जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं ना, जो ये पूरी दुनिया मतलब देखो, कुछ लोग चलाते हैं बिजनेस, कुछ लोग चलाते हैं कॉर्पोरेट, कुछ लोग चलाते हैं कंट्री, और कुछ लोग होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना का अपना सिक्का चलाते हैं, उनकी पॉलिसी चलती है। तो जो दुनिया की पॉलिसी चलाने वालों ने कुछ एनजीओ पीटा जैसों को हायर किया कि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है मिल्क की या सोया प्रोडक्ट की 120 करोड़ की, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करो। तो इन्होंने यहाँ पे पीटा हो गई, HSI हो गई, दो तीन और एनजीओ पीपल फॉर एनिमल हो गए, इनको हायर किया, फाइनेंस किया और इन कामों पे लगा दिया। अब इन कामों में क्या है, आपके जैसे हमारे जैसे लोग इनके बीच में आते हैं भाई, हम एक तो कट्टर हिंदू हैं, ऊपर सच्चाई के लिए लड़ने वाले हैं, तो हम लोगों को कैसे हटाया जाए। आप ये चीज देखो सर, इसमें ये चीज नहीं है कि यार बीजेपी ने साथ नहीं दिया उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। सर बीजेपी आज भी ऐसा नहीं है सर, मुझे कल किसी ने बोला था शायद गौरव भाटिया जी आपके सपोर्ट में आए, तो अगर वो हमारे अगेंस्ट होती तो काय को सपोर्ट में आते सर हमारे को। सपोर्ट की बात नहीं है, वो गलतफहमी हो गई थी कुछ लोगों को। अच्छा, कुछ लोग गलत नहीं थी। अच्छा अच्छा, और आपको एक चीज बताऊं सर, अगर ये बेल भी इसलिए मिली है कि न्यूट्रली काम हुआ है, अगर बीजेपी वाले टांग अड़ा देते तो बेल मिलनी भी भारी पड़ जाती, आज भी कोई ना कोई पैंच अटक जाता। तो आप ये हिंदू बीजेपी कांग्रेस आप छोड़ दीजिए, आप ये लेके चलिए कि हम लोगों को तोड़ने की साजिश है सर, कि हिंदू हिंदू से लड़ जाए। आप एक चीज देखो, पीएफए के तीन में आपको रिकॉर्ड देता हूं जिसके अंदर वो यादवों को गाली दे रहे, एल्विस यादव नंबर एक, ठीक है सर। हेलो, गाजियाबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर है सुरेंद्र सिंह, विजयनगर थाने में उनके साथ इन्होंने बदतमीज करी, सुरेंद्र सिंह यादव, उनके चक्कर में FIR मैंने उसके अंदर कराई है 353 सुरेंद्र सिंह यादव जी के लिए, 353 दो यादव हो गए। तीसरा ही गाजियाबाद के SP थे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने सौरभ गुप्ता को, गौरव गुप्ता को टाइट करने की कोशिश करी, उनका भी ट्रांसफर, मतलब ये 2014 या 16 की बात है। लेकिन रवि भाई इतना भी तो कोई गिर नहीं सकता ना, कि मतलब उस बंदे ने मात्र उस बंदे को गले लगा लिया तो तुम उसको भाई रिलीजन चेंज कर दो, उसको एल्विस फलाना फलाना बोलने लगो उसको, तो सर ये नैरेटिव, सर ये नैरेटिव चलता है सर फेसबुक पे और ये यूट्यूब के ऊपर, क्या है आजकल बीजेपी से तो है, बीजेपी से है मेनका गांधी सर, बीजेपी का मेनका गांधी की जो बीजेपी है ना वो भागो जनता पीटेगी वाली हो जाएगी, इस तरीके से चलते रहेंगे ना, ये तो एक दिन होगा कि भागो जनता पीटेगी भारतीय जनता पार्टी की जगह। अगर मेनका गांधी के उन्होंने इस बार भी टिकट दिया सर, तो आगे वाले आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा सर। और ये चीज मैं PMO वगैरह कई जगह लिख के ऑफिशियली देख के आया हूँ सर, और सारी एविडेंस के साथ, तो मुझे नहीं लगता है सर टिकट मिलेगा, क्योंकि देखिए सर पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होते हैं, ऊपर के दो चार आप योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और ये मोदी जी को आप ले लो, ये ईमानदार ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सारे ईमानदार है क्या? अगर सारे ईमानदार हैं तो ये दूसरी पार्टी के लोग हमारे बीजेपी में क्यों लिए जा रहे हैं? खैर ये पॉलिटिक्स का मुद्दा ये छोड़ दीजिए, लेकिन हमें अल्टीमेटली हमें होके रहना है,
भाई हमें किसी की बातों में नहीं आना। अब सर एक बात बताओ, सलीम चरनिया मुस्लिम है, बॉम्बे का बंदा है, एक्टिविस्ट है, उसके ऊपर झूठा रिक्वेस्ट डाला, मैं हिंदू हूँ आरएसएस से हूँ, लेकिन मैं खड़ा हुआ ना उसके लिए जब मुझे पता चला कि झूठा कैसे। देखिए सर हम हिंदू भी हैं मगर इंसान भी हैं, अगर हमसे हंस के बात करोगे हम आपको गले भी लगाएंगे, अगर हमारा गला काटने की कोशिश करोगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे को सिंपल सी बात लेके चलनी है। दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान से आप भूल जाओ कि हम सारे मुसलमान बाहर निकाल देंगे, हमें इन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है सर। आप ये मांग के चलो आप मेन स्ट्रीम में इन्हें ला सकते हैं। आप सोचो कि पूरा हिंदू राष्ट्र बनने का, सिर्फ हिंदू रहेगा मुस्लिम चला जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है सर, क्योंकि हम कभी इतने क्रूअल हो ही नहीं सकते सर कि हम किसी का खून इस तरीके से पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं के साथ हो रहा है कि लड़कियां उठाई जा रही हैं, सड़कों पे काटा जा रहा है। हम लोगों से चींटी तो मारी नहीं जाती सर, कुत्ते बीमार होते तो हम लोग हॉस्पिटल ले लेके भागते हैं, हम लोग इतने क्रूअल कैसे हो जाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई शरिया ना हो, कोई तुम्हारा ये चार से तलाक या जो भी इनके हैं वो ना हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें, और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर एक होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब जो देश की जो संविधान के है जो लूज लॉज हैं वो एक मर्सी लेवल पे बनेंगे, जैसे हमारे हिंदूस के होते हैं, मतलब उसमें ये चीजें नहीं चलेंगी। तो ये खैर अलग टॉपिक है। आपका कहना ये है कि कभी धर्म की लड़ाई थी नहीं सर? देखो धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म सर धर्म का भी कोई था ही नहीं हिंदूस के अलावा, हिंदू थे या हिंदू है दुनिया में? सुनो नहीं, राजा भाई का एक जवाब देना तो सर मुझे, एक जवाब। आपने ये बोला कि कभी धर्म की लड़ाई नहीं थी, मेरा कहना है नहीं, दुनिया में कभी कोई दूसरा धर्म था ही नहीं सर, आज से पहले हिंदू थे या हिंदू हैं आज भी, आप पारसी ले लो, क्रिश्चियन ले लो, सारे ले लो सर, या तो हिंदू थे कहीं ना कहीं, उससे पहले हमारा सनातन धर्म है ना सर। महाभारत के टाइम में जाओ आप, रामायण के टाइम में जाओ, या आज से आप सिर्फ 1200 साल पहले चले जाओ, मुझे कोई और रिलीजन दिखा दो सर। ये सर जैसे आज के टाइम में पॉलिटिक्स खेली जा रही है ना, यादवों को अलग कर दो, कुर्मी को अलग कर दो, ब्राह्मण को अलग कर दो, तो ये पुराने टाइम में ऐसे ही पॉलिटिक्स हुई है कि यार ये बहुत अच्छा राम का नाम चल रहा है, चलो हम अपना अलग जीसस बन जाते हैं, हम अपने ये बन जाते हैं, हम अपने वो बन जाते हैं। आप ये चीज देखो सर, पहले टाइम में ये पॉलिटिक्स चली, अब जातिवाद में आ गए क्योंकि बड़े बड़े धर्म बन नहीं पाते, तो अब जातिवाद पे आ गए। आप ज्यादा पीछे मत जाओ राजा साहब, आप सब 300 साल पीछे जाओ सिख धर्म के ऊपर, आज सिख धर्म को भी हमसे अलग किया जा रहा है, जबकि सिख धर्म क्या है सर, हिंदुओं के बड़े भाई, हर हिंदू का बड़ा बेटा उस समय में सिखी अपनाता था, ठीक है सर, ये मुगलों से लड़ने के लिए, लेकिन आज सिखों को भी अलग करने की कोशिश हो रही है। तो ये सर राजनीति जो होती है सिर्फ राज करने के लिए होती है, देश चलाने के लिए नहीं होती। तो हमारे को क्या है, यूनाइट रह के अपने अधिकार अगर हमें सरकार से लेने ना, तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा, तब सरकार हमारी सपोर्ट करेगी। अगर हम अलग हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में बीजेपी कहेगी बाहर में जाओ, मैंने सत्ता में इतने साल सुख भोग लिए, मजे करो। तो इसके अंदर हमारे को एक रहना, अगर हमें अपने काम करने हैं, मतलब राजनीति वो होनी चाहिए जिसके अंदर किसी का नुकसान ना हो। ये काफी बड़ा टॉपिक है, खैर इसके अंदर फिर कभी बात करेंगे, ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है, क्योंकि मैं सर इसके लिए ना इसके लिए कोई पर्सनल वैसी स्पेस बनाएंगे, सही है, ये अपने भाई के लिए बनाएंगे स्पेसेस में ना, मैं जो बोलता हूँ जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल खुल के बोलेंगे सर। सर मैं जिम्मेदारी से जो बोलता हूँ ना, जिम्मेदारी से बोलता हूँ, जिसमें अरेस्ट करना है आगे। जैसे अगर भाई को बेल मिल जाएगी सब हो गया, तो मतलब भाई अब कुछ भी मतलब बाहर जा सकता है, मतलब बाहर जैसे कहीं भी जाओ, तो बेल में कंडीशन कर सकता। हाँ शो बिल्कुल करेंगे, कोई ये थोड़ी है सर कि मतलब आदमी अपना घर में बैठ के बैठेगा, वह उनके प्रोफेशन है भाई। भाई भाई सीधी बात है, देखो जब बेल मिलती है ना तो कोर्ट में ना ये चीज पहले ही डिसाइड होती है कि कब क्या, जैसे पुलिस कोई बुलाए ना तो आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कैद के लिए आना है, कोई पूछताछ के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया ना तो आना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि परेशानी करती रहेगी पुलिस, उसमें भी ऑप्शन आता है कोर्ट केस करके कर सकता है कि भाई परेशान ज्यादा कर रही है या कुछ भी। देखिए अब क्या होगा सर, ये जैसे इन्हें बेल मिल गई तो पुलिस जल्दी से जल्दी डालेगी इसमें चार्जशीट, अब एलविश भाई को दोबारा नहीं बुलाएगी, वो गलतियां पुलिस नहीं करेगी, अब वो सीधा सीधा डालेगी चार्जशीट। चार्जशीट के समय एलविश भाई को वहां प्रेजेंट होना होगा, चार्जशीट की कॉपी लीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, भाई ऐसे ऐसे इसमें चार्जशीट में ये लिखा, हमारा कुछ नहीं था तो हमारा नाम अलग किया जाए। क्वेश्चन तो इस एफआईआर को आप करा ही नहीं सकते, हालांकि इस एफआईआर की वैल्यू है ही नहीं। बिल्कुल देखो सर, इस एफआईआर की वैल्यू है ही नहीं। मेन तो पुलिस क्या करेगी, मेन वही है ना सर, अभी कोर्ट के चक्कर लगने हैं, मेन वही है कि कोर्ट के चक्कर लगने हैं अभी इस एफआईआर को मजबूत करने के लिए कि हाँ वैलिड थी, क्या करेगी वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ वालों से लेके लगा देगी और अपने लगा देगी, और ये लिख देगी कि गलती से हमसे जो है ये प्राइवेट एफआईआर हो गई, जबकि ये हमें करनी थी। चार्जशीट में देख लीजिएगा, वो यही वर्ड लिखेंगे, वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिपोर्ट लगा देंगे। क्लैरिकल जो वो बोला ना, क्लैरिकल मिस्टेक, इधर से वो हो गया, ये गलती से लग गया, ये गलती से नहीं लगा,
वो चीज यही डिफाइन कर रहे हैं ना। लेकिन इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती ना, ये जो डालेंगे तो सर उसमें एल्विस भाई को काफी, सर इसमें पता क्या, एल्विस भाई तो देखो निर्दोष थे, वो तो निकल ही रह जाएंगे आराम से, लेकिन इसके अंदर जो दोषी है ना सर इस एफआईआर में, वो भी बच जाएंगे पुलिस की गलती से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जानबूझ के एफआईआर ऐसी कराई गई कि दोषी बच जाए निर्दोष फंस जाए, क्योंकि दोषी हो सकता है पीएफए के आदमी हो, आप ये सोचो ना, टेक्निकल लंबा सोचो सर। कॉन्स्पिरेसी जो होती है ना, षड्यंत्र कब कहाँ होता है कुछ पता नहीं चलता, जो मेन खिलाड़ी होता है वो किसी को दिखता ही नहीं है। इसमें ये भी तो हो सकता है कि ये सारे आदमी पीएफए के ही हो, इसीलिए इस तरीके की एफआईआर हुई है, इसको लपेट दो बाकी तो बाद में छूटी जाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना सर। तो बहुत सारी चीजें हैं सोचने वाली। हेलो, हाँ सर, आ रही है, बोलिए सर। बिल्कुल सर, हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सर। तो एग्री, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार ये जरा थोड़ा मामला निपट जाए, मैं अपनी एविडेंस लेके जाता हूँ, एल्विस भाई अपनी करें, और अगर इनके एडवोकेट से मेरी बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। इस दिन मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जा रहा हूँ, जो आना चाहे वो अपनी एविडेंस लेके और अपने केस लेके आ जाए, सीबीआई से एक इंक्वायरी कराओ सर, सीधा बोलो कि भाई पीएफए की इंक्वायरी मत करो खाली, एल्विस यादव की भी करो, रवि भटनागर की भी करो, मेनका गांधी की भी करो, पीपल फॉर एनिमल भी करो, पीटा की भी करो, जो साला गलत हो ना उसको साले लाल किले पे फांसी दे दो, इंक्वायरी तो करो सीबीआई से, इंक्वायरी तो करो सर, पता चल जाएगा सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर, क्योंकि जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे सर। सही कह रहे हैं साथ भाई, कभी आप बड़े हैंडलों से बात करके सर की बात कराइए। सर जी, बड़ा हैंडल कोई मुझसे बात नहीं करता, कल पता नहीं कैसे भारत न्यूज वालों ने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिया, वरना मेरे को कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता, मुझसे सारे डरते हैं सर। भाई 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 सुनो, मैं बताता हूँ, देखो सर आपकी ना कराए अभी तक भाई सारे पीजी वकील से भी बात हो जाएगा, सब से बात हो जाएगा, एक बार ना थोड़ा ना मैटर ना थोड़ा शांत होने दो, एल्विस भाई भी करेंगे ना जब केस, मान लो जो भी करेंगे डिफेमेशन या कुछ भी करेंगे उनके ऊपर, नहीं कर सकते सर, अब नहीं कर सकते डिफेमेशन, अभी केस खत्म होगा तब, वही कह रहा हूँ अभी तो कर नहीं सकते, पहले इस केस से निकलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, एक बार ना थोड़ा बंदे को ना सांस तो लेने दो यार, अभी कुछ हो नहीं सकता भाई, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उन्हें 8-10 दिन तो आराम करने दो, उन्हें शोक से बाहर तो आने दो, ये शोक लगता है सर जेल में जाके बहुत बड़ा। अच्छा सर, आप मेरे पुराने वीडियो देखो, मैं आपको नहीं तो ढूंढ के दूंगा, जब ये केस हुआ था उस समय मैंने बोला था एल्विस भाई की टीम के लिए कि आप लोग अपना ध्यान रखना, आपको दूसरे झूठे केसों में फंसाया जा सकता है, और एंटीसिपेटरी बेल ले लें, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल इसमें ले लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती सर। लेकिन उस समय किसी ने वो वीडियो मेरा देखा नहीं, देखा पता नहीं, क्योंकि इनकी मदद, देखो सर जितनी भी न्यूज निकलती है ना, जितनी भी न्यूज निकलती है जाती ट्विटर से ही है, सही है, जितनी भी उठती है जितने भी चैनल है, तो आप ना एक पूरा अपना डाटा तैयार कर लीजिए, एक बड़ी स्पेस बनवाएंगे, सही है, उसमें ना बारी बारी से एज अ डिस्कशन स्पेस, नॉर्मल डिस्कशन, आप अपनी बात रख सकते हैं उसमें, सर आप एक काम करो, अगर जूम के ऊपर हाईलाइट हो, आप सामने वाला मुंह छुपाना चाहे छुपा ले, जूम के ऊपर एक मीटिंग करो, मैं एविडेंस लेके आगे बैठता हूँ वीडियो के साथ। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एविडेंस वीडियो के ऊपर दिखाता हूँ, आप उसको टेलीकास्ट करो, जो एंकर है वो अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता ना दिखाए, जूम भी मेरा इस्तेमाल करो, मेरी आईडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखो मैं बिल्कुल सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मुझे इनका बिल्कुल डर नहीं है, और मेरी सर 54 साल की उम्र है, हार्ट प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी सर मुझे कब एडमिट होना पड़े मुझे नहीं पता, मेरे मतलब ब्लॉकेज काफी है, फिर भी सर देखो मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ, जिस दिन मरूंगा मरूंगा, मरने से पहले मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा ना डरूंगा सर, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी लड़ रहा हूँ कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, तो मुझे बिल्कुल इनमें से किसी का डर नहीं है सर, जिसको मतलब अपनी सेफ्टी रखने में अपना मुंह छुपा के आ जाए, अपनी आईडी छुपा के आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कोई भी पूछे सर, जब मैं आप ये देखो राणा यशवंत को डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ, उसका फोन निकाल के कि मुझे एक बार बोला तेरा पूरा पैनल के 10 मिनट में उठ के भाग जाएगा, तो आप मेरी एविडेंस का अंदाजा लगाओ कितनी मजबूत होंगी सर। और अभी जो मैंने सोशल मीडिया पे डाला है ना सर, ये 1% तो क्या, कुछ भी नहीं डाला सर, कुछ भी जिसे कहते हैं ना, ये सिर्फ उसका रद्दी जिसे बोलते हैं, रद्दी डाली है सर अभी मैंने सोशल मीडिया पे, जो मेरे पास एविडेंसेस है उसकी रद्दी है ये, कि ये खो भी जाती है मुझसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, तो आप ये अंदाजा लगाओ सर जब सारी मेन चीजें बाहर आएंगी तो क्या होगा, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा सर, और कोर्ट का मैटर ये है नहीं, कोर्ट में जाएगा तो क्या कहेंगे हमें फाइल दो, मतलब ही कोर्ट के अंदर तो आदमी मांगता है ना कि हमारे को सामने वाले के पिटिशनर की फाइल दो, पेपर दो, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, तो सारी एविडेंस इनके पास चली जाएंगी, मैनिपुलेट कर जाएंगे, तो इसलिए ये पुलिस सीबीआई बात वही ना, जब
सामने वाले के पास चले जाता ना कि इसके पास क्या क्या है, तो उसके ना अपोजिट में कुछ ना कुछ बन जाता वो तो है। सर ये बहुत बड़ी है, इनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे है आते हैं इनके, छोटे मोटे आदमी नहीं है ये लोग, बहुत लंबे हाथ हैं इनके, मतलब पूरा माफिया। मैंने कल भी ये बोला था एनिमल वेलफेयर माफिया पूरे वर्ल्ड का यही लोग चला रहे हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है। बिना बिजनेस के सर इनके मतलब कोठियां हैं गाजियाबाद में, 6-6 फ्लैट है 90-90 लाख के, मतलब ये एक साथ में गोल्ड पे इनके घूमते हैं 90-90 लाख का सर। ओडी कार, ओडी जैसी कारें हैं इनके पास अलग अलग ना, मतलब अपने ससुर वगैरह लोगों के नाम से। और सर जो लोग कहते हैं कि सौरभ गौरव वगैरह से कंप्रोमाइज कर लो, एक दो के मैंने सुना, तो भाई जिस आदमी ने अपने बाप का, जो लोग अपने बाप के नहीं हो वो तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे इनके काम में एक्सटोर्शन है। क्योंकि इनके पिताजी एक बार इनके घर से कोई 32 लाख के करीब रुपए लेके भाग गए थे एक्सटोर्शन का, मेंका का, उसके आसे इन्होंने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। और इनके पिताजी आजकल सड़कों पर धक्के खाते हुए घूमते हैं सर अपने गाँव में, दारू 50-50 रुपए दारू के लिए मांगते हैं। सौरभ गौरव गुप्ता के पिताजी की बात कर रहा हूँ सर मैं, और पिताजी देखो सर उनसे मेरी नहीं बनती, सौरभ गौरव गुप्ता से मेरी बिल्कुल, फिर भी उनके पिता फादर के लिए पिताजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इज्जत के साथ, बाप नहीं बोल रहा मैं। और इनके साले मीडिया के नाम देख लो, मीडिया ने एल्विश भाई के लिए कैसे बोला एल्विश का बाप, ये तो सर हमारी मीडिया है सर। सर मीडिया ना, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, मीडिया इतनी दोगली है, इतनी दोगली मीडिया है। आज आज उसी मीडिया पे जिस मीडिया ने डिफेम किया ना खूब कि हाँ प्रूफ हो गया, उन्होंने तो दोषी कर दिया घोषित ना, आज वही मीडिया बैठ के ना रोटियां सेक रही है, अपना पनीर खा रही है इस बात को चला के कि कोर्ट ने बोला है कि ये सारे एलिगेशंस गलत लगाए गए थे वगैरह वगैरह। ये जिस कोर्ट ने बताया कितने अनपढ़ बंदे हैं, कितने अनपढ़ बंदे हैं वो। नहीं ये मीडिया में आया है कि मीडिया में आया है कि कोर्ट ने बोला है कि एलिगेशन गलत है। हाँ कुछ, हाँ 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 कुछ मीडिया चैनल्स पे आए हैं ये, वही बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि सर मेरा क्या है, मैं अपने पेपर वर्क में काफी रहता हूँ ना, मेरे ऊपर भी इन्होंने 10 के करीब FIR डाली हुई है, तो दिन भर में उसी में लगा रहता हूँ, मतलब अपने राइटिंग वगैरह में पूरे जवाब। क्योंकि सर मैंने वकील हायर नहीं करता, मैं अपना केस ज्यादातर खुद ही लड़ने पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं अपना केस लड़ सकता हूँ दूसरे का नहीं लड़ सकता सर, तो इसलिए पेपर वगैरह मैं खुद ही प्रिपेयर कर लेता हूँ या अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता हूँ, तो दिन में मैं बिजी रहता हूँ, तो मैं न्यूज उतनी ही देखता हूँ जितनी जरूरत हो। एल्विश भाई के मैटर में सर मैं किसी के मैटर में नहीं पड़ता सर, एल्विश भाई के मैटर में मैं रोक नहीं पाया सर। इस बंदे ने सर 25 साल की उम्र में हिंदुओं को एक करा, इतनी सक्सेस इसने करी, इतना बढ़िया डिसेंट बंदा, मैं रोक नहीं पाया। मैं नहीं यार कुछ भी हो पहले अपने काम छोड़ो, इस बंदे के लड़ो, एक आध केस मुझ पर और होता है तो हो जाए, मैं यही सोच के उतरा सर। मेरा इसमें सर ऐसा कुछ नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे हम आपको प्रमोट करेंगे, मैं भाई मुझे प्रमोट करो, मुझसे एविडेंस लेके ना वो आगे स्प्रेड करो, मुझे प्रमोट नहीं होना, मुझे यूट्यूबर नहीं बनना सर, मेरा कौन देखेगा चैनल, मेरे साला कौन ब्लॉग देखेगा सर, आप ये बताओ। मुझे जो दिखाना चाह रहा हूँ ना पब्लिक को सर मैं, या पब्लिक नहीं, जो पब्लिक के साथ साथ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो मैं नहीं दिखा पा रहा, प्रॉब्लम है ये। तो मैं आप सबसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना सर बड़े, भले सर क्रेडिट वो ले लें, मुझसे एविडेंस ले लें, मतलब किसी भी तरीके से, और मेरे से समझ ले, सिर्फ लेके बात नहीं बनेगी, समझना पड़ेगा सर बैठ के, वो अपना क्रेडिट भी खुद लें, खुद उसे स्प्रेड करें, खुद शेयर करें। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरे ट्विटर पे कोई आए मुझे लाइक करे, मेरा फॉलोअर बने, मुझे जरूरत बिल्कुल नहीं है इस चीज की सर। भाई मेन जो सबूत गंदे लोगों के खिलाफ, क्रिमिनल लोगों के खिलाफ, वो पब्लिक को पता चले उनकी सच्चाई, और वो कानून को सामने सजा के लिए। देखो ना ऊपर ना एल्विश भाई का वीडियो लगाया मैंने, वो भी बोल रहे पीएफए के बारे में, थोड़ा देख लो पीएफए क्या है वो सर, मैं बाद में देखूंगा सर, मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, जब आपके बाहर चला जाऊंगा ना तब देखूंगा। चेयरमैन के कहने पे इशारों पे मैं काम कर रहा था ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन पीएफए, तो चेयरमैन के पीएफए की कौन है, मेनका गांधी, 2011 का कोर्ट ऑर्डर है, और वो केस सौरभ गौरव गुप्ता हारे थे। आज इस जानबूझ के कोर्ट ऑर्डर से मैंने उसी समय लगाया, तो इन लोगों का सर बहुत गंदा हाल है, तो बस यही है। और सौरभ गौरव तो सर छोटी मछलियां, इनसे भी बड़ी बड़ी मछलियां हत्या जब चढ़ेंगी, जब आप ये परतें खुलेंगी तो बहुत बड़े बड़े कांड होंगे, तो देखते हैं सर कहां तक लड़ाई जाती है। और बताइए, अभी तो दो बंदे घूम रहे सर, सौरभ गौरव गुप्ता। नहीं सर सर देखो मुख्य होते हैं सर एक चीज, इनके सौरभ गौरव गुप्ता के अकेले की क्या औकात है सर, आप ये बताओ ना। मेनका गांधी है, वो तो है पीछे से बैक तो गांधी है, फिर वो अभी बीजेपी बिल्कुल उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर क्या नाम था, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे कौन थे जिन्हें हटा दिया, दाढ़ी वाले जो हैं, रावत क्या नाम था, रुको एक मिनट,
उनका और कुछ था, त्रिवेंद्र से रावत नहीं है उनका, और कुछ है वो मतलब जो दाढ़ी वाले हटा दिया था, इस बार टिकट भी नहीं दे रहे उन्हें। हाँ हाँ हाँ, वो इसकी शादी में आए, बड़े अच्छे फैमिली रिलेशन इसकी शादी में आए जी, मेनका गांधी इनकी शादी में आई, रिलेशन तो इन्होंने काफी अच्छे बना रखे हैं, और स्लोटर स्लोटर लॉबी इनकी बहुत अच्छी फेवरेबल है इनको, मतलब स्लोटर लॉबी जो है ना काउस लॉबी, स्लोटर हाउस सौरभ गौरव गुप्ता के फेवर में बहुत ज्यादा है, मतलब ये मतलब काउस वगैरह उन्हें सप्लाई करते हैं पूरी एविडेंसेस हैं सर, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, काउस हैं भैंसे हैं जो ये रेट में पकड़ते हैं सब उन्हीं को देते हैं, तो इनके पास पावर तो है ऐसा नहीं है, लेकिन सर कोई भी पावर तब तक ही चलती है जब तक आप उसे अच्छे काम में यूज करें, जब आप उसके आम आदमी को तंग करने पर लग जाते हैं ना, तो कोई ना कोई मेरे जैसा संकी होता है जो कहता है नहीं यार मैं नहीं दबूंगा मैं तो लड़ूंगा, कोई ना कोई एक आध पागल पे मिल ही जाता कहीं ना कहीं, तो इनको दो तीन पागल मिल गए। बिल्कुल 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 भाई, तो किसी का भी ना नीचे किसी का भी क्वेश्चन है सर से, कुछ और पूछना है किसी के, इस केस के बारे में आपको कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, सर को नॉलेज है केसों की ना, क्योंकि इन पे भी बहुत सारे केस एलिगेशन लगे हुए हैं, ये खुद भी लड़ते हैं अपने केस ना, तो वही है ना सर, किसी पे जब केस खुद पे बीतती है ना तो वो बंदा खुद वकील बन जाता है, ये बात सीन ही है जी जी, देखो या तो वो खुद वकील बनता है या फिर पैसा है तो फिर बड़े बड़े वकील हायर कर लेता है, तो खुद वकील बनने में ज्यादा फायदा, बिल्कुल यही दो ही चीज है, दो ही चीज है, खुद अपने लिए खड़ा होकर लड़ना ज्यादा अच्छा रहता है सर, क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, उसमें ये नहीं होता ना कि तीसरा बंदे पे समझाओ उसको वो करो, खुद को पता है जो करो। सर मुझे कल ये चीज पता थी ना इनके ऊपर, एक केस हो रहे गुड़गांव में, तो मैं कल ही बोलता कि अपना कोई ना कोई आदमी गुड़गांव भेज के बेल कराओ, भले जब एंटी सपोर्टी लो जैसे भी लो, भले पुलिस प्रोडक्शन ना ले रही लेकिन लो, मुझे पता ही नहीं था इनका गुड़गांव में भी केस है, मुझे तो ये पता था मीडिया में जो आ रहा था, और मेन बात ये है सर, इनको पता तो था गुड़गांव में केस है, लेकिन इनने ना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना ये पहले ही सोल्व हो जाता, नहीं तो नहीं, नहीं, पहले ही सोल्व कर लो ना ये चीज, एक्सपेक्ट वाला मतलब ही नहीं, वकीलों को पता होता अगर दो केस है तो दूसरे केस में पुलिस ऑटोमेटिकली आएगी बोले लेने सर, ये तो बिल्कुल डैम श्योर है, इसीलिए तो केस होते हैं सर। अब सर अगर गुड़गांव पुलिस को पता नहीं चलता तो बात अलग थी, अब एलविश भाई कोई छोटे मोटे तो है नहीं, उनका पता गुड़गांव पुलिस को कि हाँ भी अरेस्ट हुआ था बंदा प्रोडक्शन में लेने आएगा, नहीं तो फिर उन जिन जो वहां पे आई हुआ उसके ऊपर गाज गिरेगी, भाई जब वो अरेस्ट हुआ था तूने उसके प्रोडक्शन वारंट क्यों नहीं लिया, फिर उस पर गाज गिरती, बस ये कि उसने प्रेशर में आके जानबूझ के लेट प्रोडक्शन वारंट इशू करवाया, कोर्ट में लेट आया, नहीं तो वो जिस दिन अरेस्ट हुआ था उससे अगले दिन भी ले जा सकता था एलविश भाई को, कोर्ट में प्रेजेंट करता गुड़गांव की, उसी समय एमसीआर हो जाता है, एमसीआर मतलब मजिस्ट्रियल कस्टोडियल इंटर मतलब मजिस्ट्रियल कस्टोडियल रिमांड वो होता, उसका एक पेपर इनके जेल आ जाता, मतलब जहाँ पे ये है वहां से इनके वकील के पास जाता, वकील को पता चल जाता, वकील वहां के बेल ले लेता, मतलब पहले ही जब तक यहाँ गुड़गांव हड़ताल चल रही है और आज यहाँ पे बेल होती है बाहर आ जाते, वो सिंपल सी बात है, तो वो जानबूझ के उसने जानबूझ के सर गुड़गांव पुलिस को इन्होंने मैनेज किया कि वो आज ही के दिन मांगे, ये है सर, जैसे मेरे केस में 5 दिन पीसी में था, मेरी इन्होंने पीसी नहीं मांगे, नहीं मांगी प्रोडक्शन वारंट मेरा इशू नहीं करवाया, जिस दिन मेरी बेल होनी थी उसी दिन उन्होंने प्रोडक्शन वारंट इशू कराया, तो मेरी बेल अटक गई 8 दिन, क्योंकि मैं एक तो गाजियाबाद से बाहर था, बॉम्बे में था, बॉम्बे लेके गए थे मुझे अरेस्ट करके, तो थोड़ी प्रॉब्लम उधर आई इस वजह से, ये हुआ था सर, तो अगर कल पता होता तो ये तो आज ही मामला सॉर्ट हो जाता, आज एक वकील गुड़गांव चला जाता, एक यहाँ हो जाता, क्योंकि सर सोशल मीडिया पे ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा, बुरा मत मानेगा एलविश आर्मी के लोग ना बहुत सी चीजें बड़ा चढ़ा के डाल देते हैं, अब जैसे ये कि उस केस के अंदर कंप्रोमाइज हो गया, अब कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है सर, एफिडेविट पे लिख दिया एफआईआर नल एंड वाइड हो गई, कंप्रोमाइज जो एफआईआर की कंप्रोमाइज का मतलब ये होता है कि भाई अगर सामने वाले से मेरा कंप्रोमाइज हो गया है, आवाज आ रही है सर मेरी, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना सर, देखिए सर अगर सामने वाली पार्टी से आपका कंप्रोमाइज हुआ था, आप एफिडेविट बना के देंगे ना, तभी तो कंप्रोमाइज होगा ना, एलविश भाई एफिडेविट पे लिख के देते हैं हाँ भाई ये गलती हो गई या हमारा आपस में कंप्रोमाइज हो गया या हम आगे से आपस में नहीं लड़ेंगे, दोस्त में मजाक था, वो पुलिस स्टेशन में एक एफिडेविट दिया जाता है तब जाके वो कंप्रोमाइज माना जाता है, मैटर खत्म माना जाता है सर, वरना एफआईआर हो गई तो एफआईआर इन द मींस कि वो कोर्ट में जाएगी जाएगी, अगर वो झूठी भी है तो उस पर फाइनल रिपोर्ट पुलिस लगाएगी, ऐसे नहीं अपने पुलिस स्टेशन में बैठ के वो फाड़ के फेंक देगी, चलो यार कहानी खत्म, यार ये गलत है मैंने फेंक दी एफआईआर का मतलब, वो सोशल मीडिया थोड़ी देखेगी सर, वो सोशल मीडिया थोड़ी चेक करेगी, आपने अगर लीगल कुछ दिया तो उसको लीगल ही बंद कराना पड़ेगा, सर मैंने तो वही एक चीज समझी ना कि जब कंप्रोमाइज हो गया सोशल मीडिया पर तो मैं लीगली बंद है, फिर भाई कंप्रोमाइज का मतलब लीगली हो गया ना सर, जब आप डाल रहे होते हाँ कंप्रोमाइज हो गया वो केस खत्म हो गया, केस खत्म तो ऐसे होता है या तो एफिडेविट दे वहां पे,
बहुत हल्के पता सर, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, टीम एल्विस ने ही बहुत हल्के में लिया इन चीजों को ना, कोई टीम थी नहीं उस टाइम ना, मेन जो मेन स्ट्रीम टीम, आपस में दोस्तों ने कर लिया कॉम्प्रोमाइज, उनके लेके हो गया सब कुछ, ऐसा अच्छा। केस में कभी ना फंसे अच्छा। ना उन्होंने सोचा है जी जी। अच्छा वो लीगल टीम नहीं थी, मतलब आपस में दोस्तों ने मिलकर कर लिया, लीगल टीम नहीं थी। हाँ उस टाइम तक ये जो अपना ये केस था ना, ये अपना जो मेन स्ट्रीम केस है, ये अभी जो ये नोएडा वाला केस है ठीक है, ये वेनम वाला केस था ना, इसमें लीगल टीम थी ठीक है, उसका तो मे भी लीगल टीम को भी सिर्फ सोशल मीडिया से पता होगा हुई है नहीं है हुई है, FIR कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन हाँ ऐसे कर रहे थे कि FIR डला दी गई है ठीक है, फिर वो सोशल मीडिया में देखते कि सोल्व हो गया वो केस। एक छोटी सी मिस अंडरस्टैंडिंग से, जैसे मैं मिस अंडरस्टैंडिंग बोलूंगा सर, या मतलब मिस कंसेप्शन बोलूंगा ओवर कॉन्फिडेंस की, जिससे बंदा को एक दिन कम से कम वो जेल रहना पड़ेगा, मतलब मैं मिनिमम मांग के चल रहा हूँ कि अगर कल प्रोडक्शन पे लेगा जहां मुझे लगता है कल ले जाएंगे वो, क्योंकि इतनी लंबी वो जज देगा नहीं मजिस्ट्रेट कोई भी, कल छुट्टी है लेकिन छुट्टी वाले दिन ले जाएंगे वो, क्योंकि होली रिकॉर्ड होती है, बाई चांस कल नहीं लेके गए तो सर 5 दिन निकल गए ना उनके, आप ये चीज सोचो ना सर। शनिवार को एल्विस भाई की अगर होती ना बेल, और इनको गुड़गांव पुलिस बोलती 25-26 की उनके प्रोडक्शन चाहिए, तो कोर्ट यही बोलती कल ले जाओ, संडे को भी जज बैठता है सर स्पेशल कोर्ट में, संडे के दिन ही अरेस्ट हुआ था मेरा, यहाँ से रिमांड वारंट जो है मतलब वारंट यहीं से बना था जो था ट्रांजिट वारंट, कोर्ट होता है संडे भी कोर्ट होता है, ऐसा नहीं है, तो उम्मीद है कल रात तक वो घर पहुंचेंगे, उम्मीद तो है सर। कल दोपहर, कल शाम तक ही बता रहे हैं 4 बजे के करीब लाइव का डाला किसी ने ना कि लाइव आएंगे ऐसा करके। क्या ये एल्विस भाई नहीं है, लाइव आ ही नहीं सकते कल, कोर्ट के अंदर लाइव आने की गलती ना कर देना भाई, वो सर हो जाएगा कोर्ट के अंदर नहीं सर, उनके ना एक दोस्त ने डाला वो आएगा यार, ललित भाई आएगा, ललित ने नहीं 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 तो देखो सर वो कल पहले गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव के अंदर जाके मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, बाकी जो भी हो मतलब गुड़गांव कल लेके जाएंगे कोर्ट में प्रोडक्शन के ऊपर, कोर्ट में जज के सामने प्रोडक्शन करेंगे, वो बोलेगी MCR, तो MCR मतलब वही मजिस्ट्रेट कस्टडियल रिमांड हो जाएगा, उसके बाद इनका जो वकील है बहस करेगा, इन्हें बेल रहेगा, इनकी बेल होगी, बेल के पेपर हाथ के हाथ जज से ये मजिस्ट्रेट से अपने हाथ में इनका एडवोकेट लेगा, इनको फिर जो पुलिस इनको गुड़गांव पुलिस लेने आएगी कल इन्हें जेल, फिर जो पुलिस इन्हें लेने आई थी वही पुलिस इन्हें इसी बक्सर जेल छोड़ने आएगी, साथ में पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से जैसे भी ये वकील आएगा वो इनका जो है बेल ऑर्डर वकील को मिलेगा सर हाथ में बाई हैंड देने के लिए, वो यहाँ पे जमा करेगा, उसके बाद इनको मतलब वो बेल चाहे दोनों बेल ऑर्डर पे साइन कराए जाएंगे एल्विस भाई के बुला के, उसके बाद कहेंगे चलो जी अपना अपना फिर बाहर निकालेंगे, 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है, जेल इन्हें वापिस आना पड़ेगा, वहीं से नहीं छोड़ेंगे सर, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं ना प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जेल में देना जरूरी है, पता चला कि और उल्टा वो पड़ गया यहाँ पे एल्विस भाई को कुछ हो गया तो फिर इनके मत्थे पड़ेगा बक्सर जेल पे, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम मतलब आप चोरी छिपे कोई इन्हें लाइव कर दे हालांकि वो गलत है करना नहीं चाहिए वो बात अलग है, लेकिन ऑफिशियली ये नहीं आ पाएंगे, ऑफिशियली मीडिया वाले कोई कुछ पूछे तो पूछे, लेकिन इनकी टीम को जो एल्विस की टीम है जो सोशल मीडिया देखती है उसको इन्हें लाइव करना भी नहीं चाहिए उस समय, मतलब एक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा, कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग्स वगैरह पुलिस स्टेशन की आप कर सकते हो, कोर्ट में नहीं करनी चाहिए, कोर्ट की अलाउड भी नहीं है सर, कोर्ट में नहीं सर बाहर आके होगा जो होगा, अब देखते हैं क्या होता है, अभी सही बताओ तो जो जिस बंदे ने लिखा भी है ना वो कोई लीगल बंदा तो है नहीं, उसको भी नहीं पता इतना सब होने वाला, इतना सब प्रोसीजर भी होगा, अगर बेल मिल भी जाती है तो इतना सब सीन भी होने वाला, उसको नहीं पता होगा, तो सोशल मीडिया पे टीम मेल भी कुछ भी बोले कुछ करे उनका उस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो एविडेंसेस है वो उनके जो वकील है वो इस सोशल मीडिया से देख के डाउनलोड कर लेंगे, वो कोर्ट में लगा देंगे, बाकी जो बहुत से लोग कह रहे ऐसे कुछ मत बोलो एल्विस भाई को प्रॉब्लम आएगी, कोर्ट सर सोशल मीडिया से नहीं चलता,
कोर्ट पुलिस की एविडेंस पे नहीं चलता, पुलिस अपने कोर्ट चलता है सिर्फ पुलिस की स्टेटमेंट पे नहीं चलता, कोर्ट चलता है सिर्फ एविडेंस के ऊपर, वो एविडेंस देखता है। मैंने आपको कल भी ये चीज बोली थी, हमारा कोर्ट ये देखता है प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस। पता कहानी क्या हो रही है सर आपको, मैं बता देता हूँ, आपको रियल बता देता हूँ, सोशल मीडिया पे ज्यादा हाउ हुल्ला ना करने की कहानी क्या हो रही है, बहुत सारे हेटर्स है पता है, कुछ भी वीडियो कहीं का भी ढूंढ के ला रहे हैं, उसको कट करके क्लिप को कट करके डाल रहे हैं, और आपको भी पता है सामने वाली पार्टी तो रेडी है कि कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्लिप कोई भी मिल जाए उसको उठा के हम प्रेजेंट कर दे, चाहे वो साला कभी का हो, कोई मतलब नहीं होता। क्लिप प्रेजेंट कर दी, उस क्लिप का भी प्रेजेंट करने का 65B में प्रोसेस होता है, उसको क्लिप को डाउनलोड किया जाएगा, किस साइट में किसने डाला वो डाउनलोड करेगा, उसका स्क्रीनशॉट बनेगा, पेन ड्राइव में पुलिस को देगा, आईटी मतलब सेक्शन 65B में इंडियन एविडेंस एक्ट के, तब जाके वो सबमिट होगी, जज उसकी एडमिसिबिलिटी पूछेगा पुलिस से, कितना मतलब इसकी वैलिडिटी है, पुलिस कहेगी सोशल मीडिया से उठाई है, जज कहेगा उठा के अपने फत्ते पिछाड़े में डाल, वो छोड़ ये नहीं बोलेगा, कहेगा लेके जाओ, मतलब वो मैंने एक थोड़ी गलत भाषा इस्तेमाल कर दी, जज कहेगा इसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी पूरा, उसके बाद जाके वो सबमिट होगी। एक और बात बताओ, आपको पता है अभी गौरव ने कोर्ट में जो ये अभी कल की बात नहीं परसों जो कोर्ट में वो हुआ था, तो गौरव ने वो किया था, गौरव गुप्ता है, उसने पता है कोर्ट में बोला कि जो एल्विस आर्मी करके गुट है, ग्रुप बना हुआ है सोशल मीडिया पे, जो मेरे को ना मारने की धमकी दे रहा है, वो क्या मतलब सर, ये पुलिस स्टेशन में घुस के पुलिस वालों को तो धमकियां देते हैं, तो और ये पुलिस वालों की इन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है, तो इनको कौन धमकी देगा सर, इन्हें फेमस होने का और बड़ा बनने का बहुत शौक है, और ये काफी हद तक फेमस तो नहीं बदनाम हो चुके हैं सर, आदमी मशहूर दो ही तरीकों से होता है, तो अच्छे या बुरे, या तो वो कंस बनेगा या कृष्ण बनेगा, तो ये कंस तो बन चुके हैं, अब इनका टाइम आ चुका है, अब ये तो सर ये सबको ही बोलते हैं, मैंने भी इन्हें जान से मारने की धमकी दी है, एफआईआर इन्होंने कराई है सर, इनके पास दो दो पुलिस वाले इनके साथ घूमते हैं, सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने हाई कोर्ट से झूठ बोल के ले रखी है सिक्योरिटी, फिर ये खुद गुंडे अपना रिवॉल्वर लगा के घूमते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, ज्यादा बोलेगा तो गाने में गोली मार देंगे, सॉरी कोई फीमेल हो तो, लेकिन इनके यही वर्ड होते हैं, कोई फीमेल हो तो, मतलब काफी मतलब ये घटिया किस्म के लोग हैं, रिवॉल्वर का लाइसेंस इनके पास है, तो ये अपने आप में गुंडे इन्हें कौन जान से मारेगा, और सर जो पुलिस स्टेशन में घुस के गुंडागर्दी कर रहा हो पुलिस वालों के साथ, उसको आपको लगता है कोई जान से मारने की धमकी दे सकता है, उसका कुछ बिगाड़ सकता है कोई, आपने वीडियो देखा होगा मेरे ट्विटर पे कि पुलिस स्टेशन के अंदर ये कितने बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, या सड़क के ऊपर भी कि तेरी यादवाई तेरे अंदर डाल दूंगा, पुलिस इंस्पेक्टर को ये बोल रहे हैं कि तेरी यादवाई तेरे अंदर डाल दूंगा, या सौरभ गुप्ता बोल रहा है, और फिर पुलिस स्टेशन में खूब बदतमीजी करी है इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, पुलिस स्टेशन के अंदर सर, प्रॉपर अंदर, ये भी नहीं कि गेट के ऊपर करी हो, अंदर जहाँ पे एफआईआर लिखी जाती है ना, जो ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर बदतमीजी करी है इन्होंने पुलिस वालों के साथ सर, बात है ना, वो करी वो चीज मान लो सोशल मीडिया पे, अगर चाहे तो बंदे वायरल भी करना चाहे, अभी ये केस से निकल गया ना, अभी सब कुछ हो जाएगा, उनका भी कोई इशू नहीं है, इलाज करेंगे, हम सोशल मीडिया पे बैठे किस लिए, अभी रुके हुए थे क्योंकि थोड़ा केस ना इधर उधर चल रहा था, सब करेंगे, उनका भी सब कुछ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, अभी निकलने दो भाई को बाहर, आपकी जो लीगल टीम हो ना सर, देखो मेरी तो इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, लेकिन आपकी जो लीगल टीम ना एलविश भाई से ये बोल रहे हैं कि बाहर आने के बाद सबसे पहले हाईकोर्ट में जाके एक जो है प्रोडक्शन अपने लिए प्रोडक्शन का ही वो ले गए, एक ऑर्डर इशू करें कि मेरे को ये लोग पीछे लगे हुए हैं, मुझे कभी भी किसी भी झूठे केस में फंसा सकते हैं, तो मुझे किसी भी केस में अरेस्ट करने से पहले हाई कोर्ट को बताया जाए कि अरेस्ट करना क्यों जरूरी है, तो एक प्रोटेक्शन ले लें कोर्ट से अरेस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि ये बार बार कुछ ना कुछ करेंगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्विस भाई की पर्सनैलिटी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, तो ये बार बार हिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो सर अब क्या होगा, एल्विस भाई जीत गए तो ये खत्म है, बिल्कुल ये बात तो पक्की मांग के चल रहे हो आप, कि इन्होंने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को टच कर दिया है कि इन्होंने एल्विश भाई सही साबित सही तो हैं ही, वो ये तो पक्का खत्म है, तो ये कुछ ना कुछ कोशिश ये करेंगे फंसाने की कि एल्विश को किसी भी तरीके से हम फंसाएं, बाहर ना निकल पाए, अपने आप को सही साबित करें, हाँ अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे ये, तो इसलिए एक प्रोटेक्शन जरूर लें ये हाई कोर्ट से कि भाई मुझे अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी जाए, ये चीजें हैं सर, तो ये एक मेन पॉइंट है जो बातों बातों में दिमाग में आ गया मेरे, तो सर अभी जा सकता हूं आपका पॉइंट, जी सर धन्यवाद स्पेस में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर धन्यवाद वाली कोई बात नहीं सर, आप लोगों से बात करके थोड़ा मेरा भी दिल हल्का हो जाता है, काफी समय मतलब सालों बाद कोई मुझे मिला जिससे मैं अपना दिल का दर्द बता पाता हूँ, वरना अकेले लड़ता ही रहता था अकेले, किसी से बात नहीं करता था मैं, मतलब इस तरह खुल के, तो एल्विश भाई का देखा तो चलो थोड़े एक दो मतलब लोगों से मेरी बात होनी शुरू हो गई,
आज भी एक दो लोगों के फोन आए थे बॉम्बे से भी, मैंने उन्होंने बोला भी मुझे कि मैं आपको उनके वकील का नंबर दे रहा हूँ, फिर नंबर दिया ही नहीं उन्होंने। मैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ना वो जो आपको वो जमानत वाला था ना सीन, मैं आप बता रहा हूँ न्यूज में आया, मैं आपको ना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, फिर सही है आपके उस पे ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दिया, ट्विटर पे कर दीजिए। और इसमें सर कोर्ट के उस पे देख रहा था मैं वेबसाइट पे, कोर्ट की वेबसाइट पे भी कोई ऑर्डर अपलोड किया नहीं है कोर्ट ने इनका, एलविश भाई का ना, क्योंकि बेल ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ, मैंने भी चेक किया अभी नहीं हुआ सर। बेल ऑर्डर की सर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज से पता चलेगा ना कि कितनी इन्होंने, मतलब कोर्ट ने सौरभ गौरव गुप्ता और ये पुलिस का अमल लिए, मतलब क्या कॉग्निजेंस लिया है, मतलब मेन चीज वो पता चलेगी सर फिर तो उसके ऊपर। सर आज जो मैं वीडियो बना रहा था ना, मैं इसलिए रुक गया जब मुझे ये पता चला ना कि ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन का है, तो मैंने कहा अभी रुक जाता हूँ, फिर बाद में वो मैं एक नया एक आज में डालने वाला था इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक एविडेंस, तो मैं अभी एक बार एलविश भाई को आने देते हैं या पहले प्रोटेक्शन वाला काम हो जाए फिर डालते हैं आपके पास। सर देखो सुनो, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, आपके पास अगर कुछ बहुत अच्छी चीजें है ना, बहुत सारे एविडेंस आप बता ही रहे, उनको ना थोड़ा रखिए, थोड़ा ना इनको वो होने दीजिए, फिर ना देखो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल होने वाले हैं बंदे, वो सही से ट्रोल होने वाले हैं अच्छे से, आपकी एक एक वीडियो ना इतनी वायरल होगी कि जहां तक आपको पहुंचानी है ना वहां तक पहुंचेगी, एक एक वीडियो एक एक एविडेंस सब कुछ पहुंचेगा, सही है? तो थोड़ा ना उसको बचा के रखे, अभी इधर उधर बिन बात का वो हो ना, और उनके लिए फिर वो तैयार हो जाए, ऐसा मत करो बस। इधर उधर तो मैं कर ही नहीं रहा, मैंने आपको ये बोला अभी भी जो मैंने सोशल मीडिया पे डाला है ना सर, ये कचरा डाला अगर खो जाता है तब भी मेरे काम नहीं आता, लेकिन ये भी देखो सर कितना हंगामा मचा रहा है छोटा मोटा है जो मैं डाल रहा हूँ, तो आप सोचो जब मैं डालूंगा तो क्या होगा, क्योंकि सर ऐसे एविडेंस मैं भी खराब नहीं करूंगा सर, मुझे सोशल मीडिया पे मतलब वो नहीं चाहिए। हाँ सोशल मीडिया से ये है कि मेन एजेंसी तक बात पहुंच जाए, देखो किसी की भी बात ना, एक तो होता है कि किसी बिल्कुल किसी की बड़ी पावर हो वो पहुंचा दे, सही है? एक दूसरा जरिया ना एक सोशल मीडिया है, कोई भी आम आदमी ना अगर वो सच्ची में इतना लाचार है बंदा, तो सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐसी है जो सुन सकती है, जिसको केस में दम लगता है ना वो जीरो से हीरो बनाने वाली सोशल मीडिया ही है सर। आज बाकी सर कोई पोपाई सर हैं, आज उन्होंने मुझे फॉलो किया है और एक मैसेज शायद मुझे आया है पब्लिकली आया कि मैं मतलब इसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस दीजिए, पोपाई सर कोई है गुप्ता जी करके पोपाई करके डायरेक्ट, तो देखता हूँ देख के सर, देखो सर देख के दीजिए जो भी है, मैं देख के दूंगा, पहले बंदे से भी देखूंगा, ऐसा नहीं है कि उन्हीं का आदमी मुझसे ले जाए सबूत, हाँ वो नंबर वगैरह लूंगा उसके बाद बात करूंगा ना, पता चला उन्हीं का आदमी मुझसे कोई बोल रहा है उनके बात करना, बाकी हम भी कोशिश, देखो बाकी हम भी कोशिश करेंगे आपकी मेन टीम से बात कराने की, मेन लीगल टीम से बात कराने की बड़ी कोशिश करेंगे। देखिए सर एल्विश भाई से मेरी बात हो ना हो, जो उनकी लीगल टीम है ना मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी से भी ऐसे से हो जाए जो लीगल टीम से आपको जुड़वा दे, सीधी बात आपके पास एविडेंस है बिकॉज ऑफ ना, एविडेंस मेरे पास है, तो जो देखो सर केस है जो है कॉमन केस है सर, ये पूरी पब्लिक को तंग करते हैं, मैं भी पब्लिक, एल्विश भाई भी पब्लिक, सलीम भी पब्लिक है, उसके अलावा और भी काफी लोग है मैं जानता हूँ, आजम जी पब्लिक है, क्या है आजम जी है यहाँ पे, फिर सुनील जी है, सारे पब्लिक है ना सर, तो ये कोई भी इसके एविडेंस को यूज कर सकता है, मेरी एविडेंस कॉमन एविडेंस है, मेरे अगेंस्ट नहीं है कि मेरे अगेंस्ट इन्होंने कुछ किया है, पब्लिक के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने किया है, ये है मेरे पास सिस्टम, तो ये कोई भी थोड़ा ना इन्होंने पता इतने बड़े छत्ते में हाथ दे लिया, ठीक है अभी इनका हाथ सूज गया, सीधी बात ये है। हाँ ये बात तो है सर, और मैंने ये भी सुनने में आया कि चलिए ठीक सर मैं फिर बात करते हैं, ओके सर, जी 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 भाई, जितने भी अपने चिल करके बैठो जो भी हो ना, देखो लग रहा है अभी कल ही होगा, अभी तक कुछ आना होता तो आ ही जाता, सही है? रवि सर जुड़े, इनका बहुत धन्यवाद सर, आते रहिएगा और ना स्पेस बनेगी,